हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ विप्रो शेयर के बारे में। देखिए, आईटी पे मैं काफी टाइम से बुलिश चल रहा हूँ और मैं जब से गिरावट चल रही है एससीएल टेक के रिजल्ट्स के बाद थे, तब से मैं कहीं ना कहीं आईटी पे बुलिश हूँ। और मैंने आप सभी को बाय की रिकमेंडेशन भी दिया, हालांकि उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुए थे, लेकिन लास्ट इन्फोसिस में हमने अच्छा टारगेट निकाल के दिया है आपको जो हमारी रिकमेंडेशन थी उस पर। साथ ही साथ विप्रो की बात करें तो विप्रो आपको 552 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है फ्राइडे के सेशन यानी कल के सेशन में। स्टॉक करीब करीब 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ, जिसमें इंट्राडे हाई देखें तो 565 का था, उसके बाद ऊपर से करेक्ट भी हो गया। जब से ये गिरावट चल रही है तब से इनमें वॉल्यूम्स हैवी देखने को मिल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, यानी वॉल्यूम्स आ रहे हैं, शेयर गिर रहा है, सेलिंग प्रेशर है। देखिए, कल के सेशन में भी देखा जाए तो 15 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं, एवरेज की बात करें तो 8 मिलियन के करीब है, यानी ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं हम सभी को। देखिए, विप्रो के अगर मैं आपको फंडामेंटल्स बताने जाऊंगा तो शायद टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप सभी को पता है आईटी लीडर है, मार्केट लीडर है, काफी शानदार कंपनी है प्रेम जी की, जहां पे 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 2 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप, मार्केट शेयर प्रेम जी के पास है, यानी प्रमोटर के पास है। कंपनी काफी टाइम से ग्रोथ दिख रही है आप सभी को, बोनस स्प्लिट बोनस के रूप में शेयर हमेशा देती हुई आई है, डिविडेंड हालांकि उतना कोई खास नहीं है, 0.5% के करीब का है। देखिए, अभी ये सब तो हो गए बड़ी बात है, अभी बात करते हैं टेक्निकल पे आते हैं, मतलब करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पहले मैं एक चीज बता दूं, मैं इधर उधर देख के वीडियो बोल रहा हूं क्योंकि सामने से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो मेरी आईज पे डायरेक्ट प्रेशर डाल रही है, इसलिए मैं अभी थोड़ा आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा हूं कैमरे के सामने, तो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग हियर एंड देयर। बात करें विप्रो के बारे में तो विप्रो कहीं ना कहीं आपको 552 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, बट उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक कल के सेशन में अमेरिका बाजार में विप्रो एडीआर जो है 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। तो देखिए, जो मैंने आप सभी को कहा था कि इसमें मुझे बड़ी तेजी दिखती है, जो ये फॉल है कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, अब जो सेलिंग है एब्जॉर्ब हो गई है, कहीं ना कहीं आईटी है यार, लीडर है, चलेगी। और आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही टाइम है, ये सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आईटी का दौर इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। ये तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अभी कुछ लोग क्या है 10-15% करेक्ट हो गए तो अच्छे स्टॉक को बेकार स्टॉक बता देते, तो देखिए अच्छा स्टॉक अगर 10-15% करेक्ट हो रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको ट्रीट करनी चाहिए। देखिए, विप्रो की बात करो तो 4.5% करीब एडीआर तेज होकर बंद हुआ है कल के सेशन में। नैसडेक में देखा जाए तो आप इन्फोसिस 4% ऊपर बंद हुआ है, अगर इसके हिसाब से खुद दें तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस आपको 1750 के लेवल पार करते हुए दिखेगा मंडे के सेशन में। लेकिन हमारा अपना एक मार्केट होगा मंडे को, जो कि बजट से एक दिन पहले का होगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो एडीआर के प्राइसेस हैं वो रिफ्लेक्ट ना करें प्राइस पे। बट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, क्वालिटी स्टॉक है, आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए। देखिए, मैं क्या है कि गिरावट हो रही हो तो अच्छे स्टॉक में बाय की रिकमेंडेशन देता हूं और उल्टे सीधे स्टॉक में अवॉइड करवा देता हूं। यहां पे मैं आपसे ये डायरेक्ट कह रहा हूं, मतलब आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वो कंपनियां जो ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करते हुए आए हैं, जिसपे आपको करना चाहिए, जिन्होंने आपको पैसा बना के दिया है, तो ये देखिए 20% कहीं ना कहीं करेक्शन। नैसडेक ऊपर से 18% करेक्ट हो गया, आप अगर देखोगे नैसडेक इंडेक्स जो है, जहां पे हमारे आईटी काफी ज्यादा एडीआर इंक्लूडेड है, वो 18% करेक्ट हो गया ऊपर से। हमारी मार्केट भी अच्छी खासी करेक्ट हो गई है, निफ्टी आईटी भी कहीं ना कहीं ऊपर से अच्छा सा खासा करेक्ट हो गई है, स्टॉक्स भी करेक्ट हो गए, तो मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहां से अगर आप बाय करते तो 600 का इमीडिएट टारगेट होगा, और जिसके पास पोजीशन है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, एक्यूमुलेट ही करें अपने स्टॉक को। देखिए, आपने अगर विप्रो में पैसा लगाया ना यार, तो आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर ट्रेडिंग से लगाते तो आप अभी तक निकल गए होते, एसएल कट चुका होता आपका। आपने लगाया इन्वेस्टमेंट तो आप होल्ड करिए, नीचे मिल रहा है एक्यूमुलेट करिए, ये स्टॉक आपको दोबारा 700 भी आएगा, 750 भी होगा, 800 भी होगा, डेफिनेटली होगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पेशेंस, रोकने की दम चाहिए आपके अंदर। देखिए, आपने बरसों तक देखा होगा कि ये शेयर 1 लाख के 7 करोड़, तो 1 लाख के 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ या 20 लाख एकदम नहीं होते, टाइम लगता है। उस बीच में आपका 1 लाख का 50,000 भी होता है, 50,000 का 2 लाख भी होता है, तो टाइम लगता है। आप टाइम दीजिए, शेयर दोबारा ऊपर आएगा। और रिजल्ट्स में जिस हिसाब से इसने नेगेटिव रिएक्शन दिया, ऐसा कुछ था नहीं गलत, नेक्स्ट क्वार्टर मुझे लगता है सब स्टेबल होता हुआ दिखेगा और आपको विप्रो दोबारा से अच्छे खासे लेवल्स पे दिखेगा। तो मेरे हिसाब से एक्युमुलेशन का टाइम है, फ्रेश एंट्री भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, काफी अच्छे लेवल्स पे प्रोवाइड हो रहा है ये स्टॉक आपको। मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस महंगे हुए थे 32 के पीई पे आ गया था, वहीं ये 24 के पीई पे भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितनी बातें बोली मैंने, जो भी लेवल्स बोले मैंने, जो भी टारगेट बोले,
वो सब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मतलब आप मुझसे पूछो कि विप्रो में आप क्या करोगे, तो मैं आपको जो वो मैंने बोला वो मैं करूंगा। मैं मेरे पास शेयर होगा तो मैं उसे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा इस लेवल पे। मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास फंड होगा तो मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे विप्रो मुझे आईटी में खरीदना है तो मुझे आईटी में सब अच्छा लग रहा है तो मैं विप्रो में बाय करने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा सेलिंग प्रोस्पेक्टिव है, कोई सेलिंग का माइंड है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आपसे 550 वाला 520 नहीं होगा, 530 नहीं होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मार्केट है ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। बट मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ से बंदा एक साल के अंदर अंदर 15-20% रिटर्न जरूर देगा अगर मैं एक ही स्टॉक में निवेश करके छोड़ दूँ तो। और 15-20% आई थिंक बहुत ही अच्छे रिटर्न होते हैं मार्केट में। देखिए, अब मार्केट में आप एकदम से अमीर बनने आए हो ना भैया, तो फिर आप एफएनओ में उतरोगे और एफएनओ में आप पैसा देके चले जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप रीजनेबल रिटर्न के लिए मार्केट में काम करें। तो ये मेरी वीडियो विप्रो शेयर पे, आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।